इस वीडियो में आज हम क्लास 10 आरएस अग्रवाल एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करेंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो चलिए अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन में हम इस पॉइंट को रिमूव करते हैं, सारे में से पॉइंट को हम रिमूव करेंगे सबसे पहले, तो सॉल्यूशन करेंगे तो पॉइंट रिमूव कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट के जगह पे 1 लिखते हैं, एक नंबर रहता है तो एक जीरो डालते हैं, प्लस है 3। इस तरह से फिर से इसको पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के जहाँ पे 1 लिखेंगे, एक नंबर है तो एक जीरो डाल दिए। उसी तरह से यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट हटाएं, इसके जगह पे 1 हो गया, एक नंबर है तो एक जीरो डाल दिए। उसी तरह इसमें भी जिस तरह ऊपर किए उसी तरह इसमें भी कर लेंगे। ये यहाँ पे इसको हटाएं, ये भी 10 हो गया, और इसको हटाएं तो ये भी 10 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं सारे में 10 10 10, सब में 10 10 10 दिख रहा है, इस वजह से सारा में से 10 हट जाएगा। या तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों में से हम 10 कॉमन ले सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे बच जाएगा 4x + 3y = 17/10। और नीचे उसी तरह से 1/10 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7x - 2y = 8/10। और ये 10 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे 4x + 3y = 17/10 × 10। ये 10 इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो गया इधर, ये 0 0 कट गया, और उसी तरह से ये हो जाएगा 7x - 2y = 8/10। उसी तरह से ये भी 10 यहाँ पे आ गया, इस तरह से ये भी कट गया। उसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x + 3y = कितना हो गया 17, और यहाँ पे हो गया 7x - 2y = 8। अब हम एलिमिनेशन मेथड से जैसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं, उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम इसमें y को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो y को सेम लाना होगा, से इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में y का कोफिशियंट सेम 6 6 हो जाएगा, तो y उसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे से मल्टीप्लाई होगा, जो कि 2 4 8x + 2 3 6y और 17 2 34, ये हो गया 34। उसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21x - 3 2 6y = 38 24। अब यहाँ पे इसमें साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया, 8 और 1 9 हो गया 29x = इन दोनों को जोड़ेंगे 4 4 8 3 और 2 5, 58 हो गया। इसलिए x = 58/29, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू 2 निकल गया। y का वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेशन 1 में पुटिंग करेंगे, तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 कहाँ है तो हम देख रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 है, यहाँ पे हम x का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 4 × 2 + 3y = 17। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 2 8 हो गया, +3y = 17, तो 3y = 17 - 8, तो 3y = इसमें से घटाएंगे 17 में 8 घटाएंगे कितना होगा 9, तो y = 9/3, ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी y का वैल्यू 3 निकल गया। इस तरह से y का वैल्यू हम अभी निकाले 3, और इससे पहले हम x का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं।